Subscribe to to Himanshu Tutorial and click on the bell icon to never miss an update. ियल क्लिक इस वीडियो में हम लोग आर्टिफिशियल का देखेंगे ना टॉपिक उसमें बस एक छोटा सा टॉपिक बच गया है एनसीआर में से बॉक्स बना के दे रखा है जिस बॉक्स का मतलब होता है कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन हमें एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ना जरूरी है तो ऑल अल, ऑल दो हम लोग तो पढ़ ही रहे हैं थोड़ा सा हाई लेवल तो इसे भी पढ़ेंगे और बिल्कुल डिटेल में ही पढ़ेंगे ठीक है जो कुछ भी आपको यहाँ पे चाहिए जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगा तो ध्यान से देखोगे मैंने डायग्राम बना रखा है आर्टिफिशियल किडनी का देखो नाम से ही समझोगे पहले पहले कुछ बेसिक समझ लो फिर मैं डायग्राम को एक्सप्लेन करता हूँ और कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं इसमें बस इतना ही है इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है ठीक है तो ये वीडियो ऐसे भी छोटा ही होगा आराम से देखो फिर इसे समझोगे आर्टिफिशियल किडनी का कॉन्सेप्ट कब लागू होगा आर्टिफिशियल किडनी एज द नेम सजेस्ट आर्टिफिशियल है समझ में है किडनी तो समझ ही हो किडनी मीनस एक ऑर्गन यहाँ पे तो यहाँ पे तो ऑर्गन नहीं मशीन समझ लो आप ठीक है तो एक ऑर्गन या मशीन समझ लो जो कि करेगा क्या तो वही फिल्ट्रेशन का, का काम करेगा किडनी कर क्या रहा था किडनी वेस्ट प्रोडक्ट पैदा नहीं कर रहा था आपको पता होना चाहिए मैंने पीछे बता रखा है फिल्टर कर रहा था अब देखो यहाँ सिंगल किडनी अगर एक किडनी डैमेज करता है अगर किसी इंसान का एक किडनी डैमेज करता है तो जो दूसरा किडनी होता है ना वो अपने फंक्शन को अप कर देता है क्या लिखे या द अदर किडनी परफॉर्म फंक्शन ऑफ बोथ दोनों का फंक्शन परफॉर्म कर सकता है दैट मींस कि अगर किसी इंसान के पास एक ही किडनी है तो वो अपना लाइफ ना बिल्कुल आराम से और सही तरीके से जी सकता है बस थोड़े बहुत प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे उसे, ठीक है ना अरे आगे देखना है यहाँ पे बट द फेल ऑफ बोथ द किडनी कैन लीड टू देख लेकिन अगर दोनों ही किडनी फेल कर गया तो क्या होगा क्या होगा बॉडी में ना सारे वेस्ट प्रोडक्ट जो कि टॉक्सिक होते हैं एक्सक्रीशन अपने पड़ रखा है तो वो सारे वेस्ट प्रोडक्ट क्या होंगे जमा होते चले जाएंगे और फाइनली वो पर्सन क्या हो जाएगा मर जाएगा उसका मेटाबोलिज्म ही रुक जाएगा ना अगर मैं सीधा सा बोलूँ तो और मेटाबोलिज्म से ही तो सारा प्रोसेस चल रहा है क्लियर है तो अब देखो तो इस केस में हमें क्या करना अब मान लो किसी तरीके से किडनी फेलर का केस हो गया है सर्टेन टाइम के लिए ही समझ लो उसे बाद में करेक्ट किया जा सकता है मे बी वो एक इन्फेक्शन हो रखा है या कुछ भी बीमारी हो रखा है किडनी से रिलेटेड वहाँ सही तरीके से वो फिल्टर ही नहीं कर पा रहा है या फिर कम फिल्टर कर रहा है बहुत कम कर रहा है तो टॉक्सिक सबस्टांस बॉडी में जमा होते जा रहा है तो उस केस में देखो अचानक से तो किडनी ट्रांसप्लांट हो नहीं सकता है उसे क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए ना बहुत सारे चीजों को देखना पड़ता है सबसे पहले तो एक डोनर चाहिए तुम्हें क्लियर है अब डोनर ही मिलने में टाइम लग जाता है ऐसा तो है नहीं कि रोड पे मिल रहा है किसी को भी उठा के लाओ और उसका किडनी लगवा लो ऐसा भी नहीं है तो पहले तो डोनर खोजना पड़ेगा हमें जो कि किडनी डोनेट करने के लिए मतलब राजी हो उसके साथ साथ उस डोनर का फिर ब्लड ब्लड, ब्लड ग्रुप और पता नहीं क्या क्या मिलाना पड़ता है वहां पे ग्राफ्ट रिजेक्शन के चांसेस होते हैं बहुत सारे ठीक है ना तो उन सभी को अगर सक्सेसफुल हो गया उसके बाद जाके किडनी ट्रांसप्लांट होता है लेकिन इन द इन द सेम टाइम अगर वो किडनी फेलोर का चांस है और उसे डोनर मिलने में मान लो टाइम लग गया सात से आठ दिन लग गया तो तब तक इंसान बचेगा क्या, क्या फिर डोनर मिलके भी क्या करेगा तो तब तक डॉक्टरों को थोड़ा सा टाइम ता, चाहिए और ये जो प्रोसेस है ना डायलाइसिस मतलब ये जो आर्टिफिशियल किडनी का जो कॉन्सेप्ट है इसे डायलिसिस बोलते हैं ये जो प्रोसेस है ये डॉक्टर को ना एक टाइम प्रोवाइड कर देता है कि अगर उस बीच में या तो ट्रांसप्लांट का केस है तो फिर ट्रांसप्लांट कर लो या फिर अगर कोई बीमारी ऐसा हो रखा है जो कि कुछ दवाई खाने से ठीक हो जाए तो फिर उस समय तक वो दवाई भी चलता रहेगा और ये डायलिसिस भी चलता रहेगा ताकि बॉडी का भी बेस्ट निकलता रहे और वो दवाई के साथ साथ उसके जो इंटरनल प्रॉब्लम जो है ना वो भी सही करने की कोशिश की जाए और अगर टाइम रहते हुए सही हो गया तब तो ठीक है अगर नहीं हुआ तो फिर डॉक्टर बोलते हैं ना किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा अब कोई उपाय नहीं है तो फिर हमें डोनर ढूंढना पड़ेगा लेकिन तब तक हमें इसे इसी मशीन पर रखना पड़ेगा ना उस इंसान को अरे समझ में तो देखो यहां पे समझ लेना यह मैंने प्रोसेस लिख रखा है द तो प्रोसेस ऑफ और प्रोसेड्यूर यहां और कर लो यूज फॉर क्लीनिंग द दे ब्लड देखो ध्यान समझना ब्लड को क्लीन कर रहा है किस किस टाइप में क्लीन कर रहा है वो जो नाइट्रोजिनियस वेस्टेज जैसे यूरिया सॉल्ट ये सब जो बने थे ना इन सबको निकालना है बाय सेपरेटिंग वेस्ट मटेरियल फ्रॉम इट वो अब बॉडी के बाहर करेंगे क्योंकि बॉडी के अंदर चल रहा था किडनी के हेल्प से और किडनी तो काम नहीं कर रहा है इसलिए तो बाहर करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एन आर्टिफिशियल किडनी आर्टिफिशियल किडनी को डायलाइजर भी बोलते हैं हम तो यहाँ पे इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को बोलेंगे डायलिसिस इसे जरूर याद रखोगे डायलिसिस कब होता है तो डायलिसिस किडनी फेल्यूअर के केस में होता है या फिर बोलेगा डायलिसिस कब होता है एक्सक्रिटरी सिस्टम वाले प्रॉब्लम में डाइजेस्टिव सिस्टम वाले प्रॉब्लम में या फिर और भी करके दे देगा तो क्या होगा एक्सक्रिटरी सिस्टम वाले प्रॉब्लम में होंगे क्लियर है ना इतना समझ में आप देखो यहाँ पे प्रोसेस समझोगे ठीक है अब इसके बाद मैं कुछ भी लिखवाने नहीं जा रहा हूँ इसे बिल्कुल ही ध्यान से समझोगे देखो हो क्या रहा है सबसे पहले समझो ये देखो डायरेक्शन समझो यहां से देखो ब्लड ऐसे आएगा इधर आएगा इस ट्यूब में ऐसे फैलेगा फाइनली देखो ट्यूब से निकल के वापस चला जाएगा कहाँ जाएगा किधर से आ रहा है सब बताएंगे इसके बाद इसका केस देखो इसमें हमने कोई फ्लूड ले रखा है बाहर से इसको बोलते हैं डायलाइजिंग सोल्यूशन यही इस मशीन को चलने में ना एक तरीके से हेल्प करेगा ठीक है तो यहाँ क्या हो गया ये डायलाइजिंग सोलूशन ये देखो इस, इस पूरे मतलब एक तरह से इस मशीन में जा रहा है क्लियर है ना और ये फाइनली इधर आ रहा है बेस्ट प्रोडक्ट को छान के और ये देखो बेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे बुंद बुंद करके गिरते जा रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है यूरिन का एक तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है लेकिन यहाँ पे पता है एक केस जरूर याद रखना है यहाँ जो यूरिन बन रहा है ना ये फुल्ली कंसेंट्रेटेड बनेगा क्लियर है ना इसमें वाटर वगैरह का उतना ज्यादा कंसनट्रेशन नहीं होगा फुल्ली कंसेंट्रेटेड होगा क्योंकि याद करो जब हमारे बॉडी में हो रहा था ना तो हम वॉटर एड हो रहा था उसके साथ ताकि उसका सेफली रिमूवल हो सके लेकिन यहाँ क्या है यहाँ तो बॉडी के बाहर हो रहा है तो अगर हार्मफुल भी है तो क्या प्रॉब्लम है इधर इधर किसी को प्रॉब्लम है क्या निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है ना तो इसलिए ये बाहर निकल जाएगा ठीक है बहुत सारे पेशेंट को देखते हो गए ना हॉस्पिटल में एक पॉच लगा हुआ रहता है उसे पकड़ के हमेशा चलना पड़ता है तो वो जो पॉच है ना उसमें समझो ये भरता जा रहा है क्लियर रह? है तो इस तरीके से होता है अब देखो ध्यान से देखना एक एक चीज को मैं इधर ही हो जाता हूँ देखो यह जो है ना गेह हमारे बॉडी का आर्टरी है ये क्या जा रहा है तो आर्टरी जा रहा है ध्यान से समझोगे

इम्प्योर सबस्टांस प्योर सब्सटांस सब कुछ प्रेजेंट है ना समझ में क्लियर है तो ये देखो आया इधर से ये इस ट्यूब में एंटर किया अब देखो यहाँ पे एक चीज याद रखोगे कि ये जो ट्यूब होते हैं ना ये जो मैंने रेड कलर से दिखा रखा है ये जो ट्यूब होते हैं देखो इस ट्यूब के बारे में मैंने यहाँ लिख रखा है कि ट्यूब्स जो होते हैं वो मेड अप ऑफ सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन व्हाट इज सेलेक्टिवली सेलेक्टिवलीमेबल मेम्ब्रेन जो कि सेलेक्टेड सबस्टांस को ही अपने से पास करने करनी थे समझ में तो यहाँ ये स्पेशली किसके लिए होगा परमेबल परमेबल भी किसके लिए होगा तो बेस्ट मटेरियल के लिए यानी ये एक ऐसे सब्सटेंस का बनाया जाता है कि जिससे जो बेस्ट मटेरियल जैसे यूरिया हो सॉल्ट हो ना, ये सब चीज तो ये सब चीज छन के बाहर आ जाए इस सॉल्यूशन में आ जाए आ रहा समझ में इस सॉल्यूशन में आ जाएगा और बाकी फिर ब्लड आगे बढ़ता चला जाएगा देखो ब्लड इधर से आ रहा है ना ब्लड आगे बढ़ता जा रहा है और इधर तक आते आते लगभग उससे जो इम्प्योर सब्सटेंस होंगे ना वो छन जाएगा इस ग्रीन वाले सॉल्यूशन ग्रीन वाला सॉल्यूशन दिख रहा है उसमें मिक्स हो जाएगा और फिर यहां से ब्लड वापस आ जाएगा अब ये ब्लड क्या है ऑक्सीजनेटेड है भाई कौन सा उधर जाके डिऑक्सीजनेटेड हो गया बिल्कुल नहीं हुआ है ठीक है ना लेकिन इस बार क्या हो रहा है तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे यहाँ केस क्या के है ना कि अब इस देखो अब ब्लड को जब हम डालते हैं ना बॉडी में तो फिर ब्लड को हम कहा डालते हैं वीन्स में डालते हैं क्लियर है ना तो यहाँ पे ये क्या लाइन फ्रॉम एपरेटस देखो ये एक एपरेटस है ना ये सेटअप इस एपरेटस से कहा जाएगा वीन में आया कहां से था आर्टरी से अप्रेटस में आया देखो लाइन फ्रॉम आर्टरी टू अप्रेटस और ये अप्रेटस से वीन में जा रहा है ये तो आपको समझ में आ रहा होगा ये दोनों को हमारे आर्टरी और विन में यहाँ पे जो होते हैं ना रेडियल आर्टरी खास करके क्लियर है ना रेडियल आर्टरी बोलते हैं इसको यहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं तो रेडियल आर्टरी आर्ट्री का अंदर होते हैं मैंने बताया था जोर से दबाओ थ्रोबिंग होगा दैट इज आर्टरी के अंदर हो रहा है और ऊपर ऊपर जो दिख रहा है तुम्हें ब्लू ब्लू कलर का दैट इज होते हैं ग्रीन जो भी हो क्लियर है ना तो एक आर्टरी में कनेक्ट होगा ये वाला और vein में कनेक्ट होगा जो वापस जा रहा है क्लियर है तो वो ब्लड आया और वापस चला गया लेकिन इस दरमियान हुआ क्या उस ब्लड में से थोड़े बहुत इम्प्योर सब्सटेंस छन के इस ग्रीन वाले सॉल्यूशन में आ गए अब ऐसे ही ब्लड बार बार आएगा बार बार जाएगा ये साइकिल चलता रहेगा ना क्लियर है तो ये प्रोसेस भी चलता रहेगा और थोड़ा बहुत उससे बेस्ट प्रोडक्ट छनता रहे तो ये प्रोसेस दो से तीन घंटे तक चार घंटे तक है ना ये अकॉर्डिंग टू पेशेंट होता है एक्चुअली कि पेशेंट का हालत कितना ज्यादा खराब है कितना ज्यादा वो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग ये किया जाता है डायलिसिस और फिर फाइनली क्या होगा फाइनली देखो क्या होगा ये देखो फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन है अभी डायलाइजिंग सोल्यूशन नया है

बेस्ट प्रोडक्ट भी है, है? तो यहाँ देख लो फिर से, एक बार समझ लेना, से ब्लड आया होता है कि वो सिलेक्टिवलीबल ट्यूब होते हैं और वहां पे बेस्ट प्रोडक्ट को छान के डायलाइजिंग सॉल्यूशन में डाल दिया जाता है डायलाइजिंग सॉल्यूशन भी देखो हम सप्लाई कर रहे हैं और फिर वो डायलाइजिंग सॉल्यूशन से क्या होता है बेस्ट प्रोडक्ट छन के फिर यूज डायलाइजिंग सोलूशन में अलग से सेपरेट होता चला जाता है ठीक है ना ऐसा हमारा एक अपरेटस बना होता है है तो ये किस केस में किया जाता है? जब आ, मतलब कि परमानेंट एक तरह से मतलब दोनों किडनी का डैमेज हो या फिर ए, वहां कोई बीमारी हो इन्फेक्शन हो कुछ भी तो डॉक्टर को एक टाइम मिल जाता है उसके ट्रीटमेंट करने के लिए चाहे तो दवाई से ठीक कर ले या फिर चाहे तो अगर कुछ सर्टेन केस में अगर एक्सट्रीम केस हो गया तो फिर डॉक्टर क्या बोलता है एक डोनर ढूंढ के लाओ उसके बाद फिर किडनी का ट्रांसप्लांट हो जाता है अरे समझ में तो अगर आपने कभी अगर किसी को एक किडनी डोनेट भी कर दिया तो ये मत सोचना कि आप मर जाओगे बिल्कुल नहीं आप बिल्कुल आराम से पूरा जिंदगी सही तरीके से जी सकते हो बस खाने पीने में ना थोड़े बहुत परहेज करने पड़ेंगे यानी वैसा चीज नहीं खाना पड़ेगा जो कि मतलब किडनी को डैमेज करे खास करके स्पाइसी फूड्स वगैरह क्लियर है ना बाकी पूरा लाइफ सही तरीके से जी सकते हो क्लियर है तो अगर कभी लगे कि मतलब कोई इंसान बहुत गरीब है तो देखो भाई उसके पास एक किडनी तो फ्री का ही है ना आ, उस किडनी को बेच के पैसे कमा सकता है ना खैर अभी बेचना नहीं है हमें ठीक है ना चलो तो इतना समझ में आ गया होगा आपको यही आर्टिफिशियल किडनी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था ठीक है ना आ, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा क्लियर होगा तो इसे जल्दी से नोट करोगे इसके बाद बस एक छोटा सा टॉपिक बच गया एक्सक्रीशन इन प्लांट उसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है हमें बस कुछ पॉइंट्स मैं लिखवाऊंगा उसे बस आप याद कर लेना वहां पे उससे ज्यादा आपको कोई कुछ पूछने नहीं जा रहा है ठीक है ना तो इसे जल्दी से नोट करोगे देखोगे मैंने वर्किंग भी लिख दिया आपके लिए इसे बस उतार लोगे ठीक है ना और ये मैंने ऑलरेडी समझा दिया है इसे बस मैं एक बार पढ़ देता हूँ आपके लिए ध्यान से देखना देखोगे यहाँ पे यहाँ मैंने लिखा वर्किंग ऑफ आर्टिफिशियल किडनी क्या हो रहा है द ब्लड फ्रॉम रेडियल आर्टरी रेडियल आर्टरी से जो ब्लड है पेशेंट का इज मेड टू फ्लो इन टू द डायलाइजर डायलाइजर इज द वो जो मशीन था ना वो जो अप्रेटस मैंने दिखाया था वो इसी को डायलाइजर बोल रहे हैं ठीक है थीके? इसी को डायलिसिस मशीन भी बोल रहे हैं द डायलाइजर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग ट्यूब्स जो कि परमेबल होते हैं हैविंग हैविंग सॉरी सेलेक्टिवली सेलेक्टिवली परमेबल परमेबल पे क्या होगा वेस्ट को सेलेक्टिवली वहां पे सेपरेट करेगा द डायलाइजर ऑल्सो कंटेन डायलाइजिंग सोल्यूशन देखो नीचे से हमने सोल्यूशन भी दिया था अब देखना डायलाइजिंग सोल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है इट कंटेंस वॉटर ग्लूकोज सॉल्ट एटीसी इन दिमिलर कंसेंट्रेशन एज दॉडी जो बॉडी का कंसेंट्रेशन होता है ना लगभग उसी कंसेंट्रेशन में डायलाइजिंग सोल्यूशन का भी जो कंटेंट होते हैं वही प्रेजेंट होते हैं क्लियर ना ताकि वहां पे अच्छे से सेपरेशन हो सके एज ए रिजल्ट द ब्लड पासिस थ्रू डायलाइजिंग सोल्यूशन उस सोल्यूशन से पास हुआ उस पूरे ट्यूब से एक्चुअली पास हुआ क्लियर है ना एंड मोस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट पास थ्रू द मेमब्रेन इट क्लींस द ब्लड और वहां पे क्या होगा कि वहां पे एक्चुअली जब ट्यूब से पास करेगा देखो देखो मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है ध्यान से द ब्लड थ्रू डायलाइजिंग सोल्यूशन के थ्रू होके पास करेगा ना क्योंकि ट्यूब ट्यूब जो है यहाँ पे जो मैंने ट्यूब बनाया था रेड कलर का वो तो उसी डायलाइजिंग सोल्यूशन के ही अंदर है ना तो उसके थ्रू जब पास करेगा तो क्या होगा जो बेस्ट प्रोडक्ट है वो वहां से बाहर चले जाएंगे यानी उस ट्यूब से निकल के डायलाइजिंग सोलूशन में चल जाएगा एनहेंस इट द ब्लड अब फाइनली जो ब्लड क्लीन हो गया उसे वापस वापस पेशेंट के बॉडी में से डाल दिया जाएगा इज बैक टू द पेशेंट बॉडी कैसे तो वेन्स के थ्रू ही इंजेक्शन हम लोग लगाते हैं ना तो वेन्स के थ्रू वो वापस चला जाएगा आर्टरी के थ्रू क्यों नहीं डालेंगे भाई क्योंकि आर्टरी में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है सोच के देखना कभी है ना वहां पे जाने के बजाय और वापस आ जाएगा अगर देखा जाए तो है ना तो ये आपको समझ में आ गया होगा इसे भी नोट कर लोगे साथ ही साथ ठीक है ये बस मैंने आपके लिए लिखा है ठीक है अदरवाइज मैंने इसे ऑलरेडी समझा दिया था इसे लिखने की जरूरत ही नहीं इसे जल्दी से लिखो फिर हम प्लांट का एक्सक्रीशन देखते हैं प्लांट के एक्सक्रीशन बस थोड़ा सा ही बचा है ठीक है ना इसे नोट करोगे देखोगे यहाँ पे अब बस एक लास्ट टॉपिक बच गया है और वो क्या है हमारा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स प्लांट में एक्सक्रीशन क्या हो रहा है कहाँ से हो रहा है इन सब चीजों को देखेंगे बस बस इतना ही है जो भी है इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पूछने जा रहा है ध्यान से देखना प्लांट में भी क्या हो रहा है ना मेटाबोलिक वेस्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है प्लांट प्लांटो प्रोड्यूस मेटाबोलिक कोई भी हो प्लांट हो एनिमल हो या कोई भी हो ठीक है ना तो इसीलिए आई नीड टू बी रिमूव फ्रॉम बॉडी इसे भी जरूरत है बॉडी से बाहर निकालने की तो यहाँ भी एक सिस्टम होगा एक्सरेटरी सिस्टम क्लियर है ना लेकिन यहाँ पे देखो वैसा कुछ ऑर्गन्स तो यानी सिंपल सा ही है तो देखो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं हम कि क्या क्या मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं प्लांट में प्रोड्यूस सब मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन प्लांट्स तो ऑक्सीजन देखो यहाँ पे उसके लिए वेस्ट प्रोडक्ट है बिल्कुल क्यों है वेस्ट प्रोडक्ट वो समझना ऑक्सीजन देखो फोटोसिंथेसिस के टाइम कर कह रहा है वो निकाल रहा है अब आप सोच रहे हो कि सर आपने बताया था कि प्लांट तो रेस्पिरेशन भी करता है तो फिर ये वेस्ट प्रोडक्ट क्यों हुआ तो देखो क्यों हुआ समझना हम अमाउंट से लेकर चल रहे हैं हम दिन की बात कर रहे हैं दिन में फोटो भी हो रहा है रेस्पिरेशन भी हो रहा है रात की बात कर रहे हैं तो सिर्फ रेस्पिरेशन हो रहा है फोटो नहीं हो रहा है क्योंकि रेस्पिरेशन इज ए ट्वेंटी फोर आवर प्रोसेस लेकिन फोटोसिंथेसिस तभी चलेगा जब लाइट प्रेजेंट होगा क्योंकि एटलीस्ट लाइट रिएक्शन के लिए तो लाइट चाहिए ना डार्क रिएक्शन के लिए भले ही नहीं चाहिए और बिना लाइट रिएक्शन के डार्क रिएक्शन होगा कैसे अब ये सभी चीज मैं बोल रहा हूँ ना तो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है अगर आप नहीं पढ़े हो तो फोटोसिंथेसिस का पढ़ लोगे ठीक है ना देखो ध्यान से यहाँ पे समझोगे तो हो क्या रहा है ऑक्सीजन क्यों है मैं ये बतला रहा रहा था है है ना ना बेस्ट प्रोडक्ट तो हो क्या रहा है कि ना? देखो ऑक्सीजन चाहिए इतना सा ही प्लांट को रेस्पिरेशन के लिए क्योंकि प्लांट में मोस्ट ऑफ द टिश्यू क्या है डेड है आपको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत ही कम है जो लिविंग है जैसे मिस्टमेटिक सेल्स वगैरह मोस्टली लिविंग होते हैं थोड़े बहुत जाइलम में थोड़े बहुत फ्लोएम में कम्पोनेट आगे देखना तो यहां पे इतना ही ऑक्सीजन चाहिए अब जो प्रोड्यूस होता है ना ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस टाइम वो लो इतना है तो अगर उसे इतना 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 ही चाहिए इतना तो यूज कर लेगा अब इतना बच गया उसके बॉडी में ही रह गया तो अब नया तो कार्बन डाइऑक्साइड आने का जगह ही नहीं है ना क्योंकि भरा हुआ है ऑलरेडी तो वो आएगा कहां से और फोटोसिंथेसिस कैसे होगा तो जब यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होगा ध्यान से समझोगे तो फिर आगे का प्रोसेस नहीं चल पाएगा तो इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीजन को रिमूव करने की जरूरत पड़ती है तो ये क्या हो गया वेस्ट प्रोडक्ट ही तो हुआ ना इसके लिए एक्सेस वाटर इसे मैंने ऑलरेडी बताया है ट्रांसपोर्ट में कि वाटर जब तक जाएगा नहीं नया वाला वाटर आएगा नहीं और नया आएगा नहीं तो मिनरल को लाएगा कौन वॉटर ही तो मिनरल को लेके आते हैं तो ये हो गया समझते ही गो देखते हो ना कहीं कट छट जाता है तो वहां पे निकलते हैं लेटेक्स देखो लेटेक्स आपने देखा होगा खास करके जो प्लांट होते हैं जैसे पपाया वगैरह देखे हो उसमें थोड़ा सा कहीं कट लगता है ना तो वहां पे मिल्क निकलता है ना मिल्की फ्लूड निकलता है एक्चुअली मिल्क नहीं बोलोगे उसे प्लांट so से, uh, से मिलता है जिससे बनता गया है तो ग्लू बनता है तो ये सब चीज प्रेजेंट होते हैं लेटेक्स से रबड़ वगैरह भी बनता है जैसे लेटेक्स का ना कुछ कुछ प्लांट ही होता है स्पेशल तो उसमें क्या किया जाता है ना उससे ऐसे प्लांट है ना मान लो इस तरीके से तो यहाँ पे ऐसे कट लगा दिया और नीचे एक बकेट जैसा कुछ यहाँ पे लगा दिया जिसमें क्या हो रहा है कि वो जमा होते जा रहा है और फिर उसे मतलब उसे प्रोसेस करके आ, लिदर वगैरह मतलब ये कुछ इलास्टिक प्लास्ट इलास्टिक टाइप के होते हैं ना जो रबर टाइप का वो बनाया जाता है क्लियर है अब देखना यहाँ पे प्लांट एक्सक्रीट एक्सेस वाटर बाई द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरेशन आपको पता है वाटर को कहाँ से निकाल देगा ट्रांसफरेशन से आगे देख लो जो एक्सेस गैस है जो गैसेस का जो ट्रांसपोर्टेशन जो एक्सचेंज हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है

मेनी प्लांट वेस्ट जो होते हैं ना वो स्टोर करते हैं वैक्यूल्स में ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इसे याद कर लेना अभी के अभी याद कर लो मेनी प्लांट वेस्ट स्टोर मेनी प्लांट वेस्ट आर स्टोर्ड इन देयर सेलुलर वैक्यूल्स कहां स्टोर करते हैं तो वैक्यूल्स में स्टोर करते हैं ठीक है ना प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सम्स इन टू दॉय सॉइल में भी एक्सक्रीट करेंगे है ना रूट के थ्रू अराउंड देम अपने आसपास तो यही था हमारा मेनली एक्सक्रीशन इन

वो जब भी मैं प्रिपेयर करता हूँ तो उसका मैं डेट अनाउंस कर दूंगा अपने टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लेना वहीं पे मैं डेट अनाउंस कर दूंगा ठीक है आप सभी को आना है उसे उस सेशन को कंप्लीट करने के लिए ठीक है ना तो तब तक के लिए बाय टेक केयर और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टू टाइम क्लियर है ना चलो ठीक है